लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना एक चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, है ना, कि नए पार्टनर के एडमिशन पर पुरानी पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन सारी चीजों के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम बेटा उसी चीज को लेकर आगे चलेंगे। तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कंप्यूट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, उसका एक केस नंबर वन देखा था, उसकी डिफरेंट वेराइटीज देखी थी, है ना। यहां पर बेटा अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट केस क्या है उसको देखो, एज सच कोई केसेस नहीं होते, आपको क्वेश्चन में देखकर खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मैं यहां पर केस टू नाम दे रहा हूं, सपोज करो बेटा हमारे पास ए और बी, ये दो पार्टनर है, ए और बी आर टू पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो इज 7:5, यानी कि वो बेटा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 7:5 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, नाउ दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, उन्होंने सी को किसके लिए एडमिट कर लिया, 1/6 शेयर के लिए। अभी तक ये कौन सा केस लग रहा है आपको, केस वन, क्योंकि केस वन में मैंने क्या बताया था बेटा, ओल्ड पार्टनर का क्या गिवन होगा, रेशियो, और नया पार्टनर का क्या होगा, शेयर, है ना। अब ये क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है सी एक्वायर्स 1/24 शेयर, 1/24 शेयर फ्रॉम ए। बेटा क्या कह रहा है कि सी कितना शेयर किससे ले रहा है, ए से कितना ले रहा है, 1/24, एंड बेटा ये बी से ले रहा है 1/8 फ्रॉम बी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या आपको ये गिवन है कि ए और बी से वो कितना ले रहा है, यस एंड नो, यस। तो यानी कि ए और बी से वो कितना ले रहा है, कौन ले रहा है, सी। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ए अपने शेयर में से कितना सी को दे रहा है और बी अपने शेयर में से कितना दे रहा है, 1/8। तो यानी कि ये अपना शेयर किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। तो बताओ ए और बी का शेयर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेटा ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/24, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8। हम कह सकते नहीं कह सकते, बताओ क्लियर है इतनी बात सबको। अब बताओ बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में क्या पढ़कर आए थे, ओल्ड माइनस न्यू। बट हम यहां पर कौन सा रेशियो निकाल रहे हैं, कल कौन सा रेशियो पढ़ा था हमने, न्यू, कौन सा पढ़ा था, न्यू। बुशरा बताओ न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल सही बताया बेटा, ये फॉर्मूला बनेगा। ओके, अब देखो ए, बताओ ए, ए का अपना पुराना कितना है, 7/12, कितना है, 7/12, माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा ये, 1/24, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 24, 12 2 24 14, माइनस 1 दैट इज 13/24, बताओ क्लियर सबको। ठीक है, बी बेटा, बी का अपना पुराना कितना, 5/12, माइनस 1/8, ओके ये भी कितना आ गया, 24, भाई 12 और 8 का भी एलसीएम कितना आता है, 24, 12 2 24, 5 2 10, 8 3 24, 3 1 3, 7/24। अब बताओ बेटा 13 ए और 7 कितना हो गया, 20, 13 और 7 कितना हो गया, 20, और टोटल डिनोमिनेटर कितना, 24, तो बताओ सी का कितना हो जाएगा, 4/24, या फिर ऐसे निकाल लो सी का अपना शेयर कितना था, 1/6, ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर 24 आ जाए, तो 4 से, 4 का डिनोमिनेटर में और 4 का न्यूमिनेटर में, यानी कि 4/24, तो नया रेशियो आ गया 13:7:4, बताओ क्लियर है, आ गया समझ में। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कौन सा रेशियो, देखो हर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो हमेशा होगा, कौन सा और रेशियो गिवन था जो जल्दी से न्यू रेशियो निकाल लिया, बताओ, सेक्रीफाइसिंग, भाई सेक्रीफाइसिंग बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए आपने जल्दी से इसको कंप्यूट कर लिया, क्या फॉर्मूला लगाया, ओल्ड में से क्या माइनस कर दिया, सेक्रीफाइस, तो क्या बचेगा, न्यू रेशियो बचेगा, बताओ क्लियर है। ठीक है, तो ये दूसरे तरह की वैरायटी होगी क्वेश्चन की, ठीक, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहां पर बेटा अगर आप चेक कर लो, देखो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ सी को ए से कितना मिल रहा था, 1/24, सी को बताओ बी से कितना मिल रहा था, 1/8, ओके अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो किसका शेयर आ जाएगा, सी का आ जाएगा, तो देखो प्लस का साइन लगाया बेटा, 24 और 8 का एलसीएम कितना होगा, और 24 प्लस 3, यानी कि 4/24, इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 4 1 4 4 6 24, कितना आ गया, 1/6, और इसका शेयर भी कितना था चेक कर लो, 1/6 था, बताओ क्लियर है।
आ गया बेटा सबको समझ में? ठीक, ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा हमारे पास केस नंबर 3। ए और बी ये दो पार्टनर हैं, ए और बी आर टू पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2। नाउ दे वांट टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। बेटा कितने के लिए बुला लिया उन्होंने इसको? 1/4 के लिए। सी एक्वायर्स, इस तरह से बेटा लैंग्वेज है, सी एक्वायर्स हिज शेयर, सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन दी प्रपोर्शन ऑफ 2:1। बेटा क्या मतलब हो गया इसका बताओ? कौन किससे ले रहा है जल्दी से मुझे बताइए, बताइए जाफर तुम बताओ। 1/4 कौन ले रहा है? ए ले रहा है किससे? हाँ तो बेटा देखो, सी एक्वायर्स हिज शेयर, हिज शेयर का मतलब क्या है? अपना शेयर। सी का अपना शेयर बताओ कितना था? 1/4। 1/4 का हिस्सा वो किस किस से ले रहा है? ए और बी से। तो बताओ ए से कितना ले रहा है वो? 2/3 ए से, और बी से कितना ले रहा है? 1/3 किसके शेयर का? अपने शेयर का। और सी का अपना शेयर कितना है? 1/4। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। दो बातें समझना, मैं कहूं मैं अपने शेयर का 20% आपको दूंगा, मैं अपने शेयर में से 20% आपको दूंगा, दोनों में फर्क है या नहीं? दोनों में फर्क है, एक अपने शेयर में से और एक अपने शेयर का, दोनों में फर्क है या नहीं? अपने शेयर में से बताओ यहां पे कौन सा रेशियो गिवन है आपको? क्या भाई मैं अपने शेयर में से इतना दूंगा, सैक्रिफाइसिंग, मैं अपने शेयर का इतना दूंगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब यहां पे क्या कह रहा है वो? अपने शेयर में से अपने शेयर का ले रहा है, अपने शेयर का ले रहा है ना, है ना? तो पिछले क्वेश्चन जो था बेटा, पिछला क्वेश्चन देखो, पिछला केस देखो, पिछला केस क्या कह रहा है कि भाई सी एडमिट हुआ था कितने के लिए? 1/6 के लिए। ओके 1/24 वो किससे ले रहा है? ए से, यानी कि ए अपने शेयर में से कितना दे रहा है? 1/24। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। अपने शेयर का बेटा अगर इस तरह से लिखा होता कि ए अपने शेयर का 1/24 दे रहा है, तो ए का अपना शेयर कितना था बताओ? 7/12। 7/12 का कितना? 1/24। तो बेटा ये कितना हो जाता? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हम, इसको क्या करते हैं? फिर मल्टीप्लाई करते हैं। बात आ गई समझ में? एक तो होता अपने शेयर में से दे देना और एक अपने शेयर का कुछ हिस्सा दे देना। तो जब भी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा, अपने शेयर का कुछ हिस्सा दे देना, हम हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और अपने शेयर में से अगर कुछ क्वेश्चन गिवन है तो बेटा क्या होगा? डायरेक्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि जितना वो हिस्सा दे रहा है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। मतलब इस क्वेश्चन में कौन दे रहा था? ए। कितना दे रहा था? 1/24। तो ये क्या गिवन था? कि उतना सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, बट अगर बेटा इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करो तो जरा चेक करके बताओ, क्या यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है? क्या नहीं गिवन है? क्या इंफॉर्मेशन है कि सी अपने शेयर का किस किस से ले रहा है? ए और बी से। कितना कितना ले रहा है? 2:1। तो हमें निकालना पड़ेगा ना। ओके, तो देखो ए से कितना ले रहा है बेटा? वो 2/12। ए से कितना ले रहा है? 2/12। और बी से कितना ले रहा है बेटा? वो 1/12। तो अब बताओ, अब ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/12। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/12। बताओ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटा, इतना क्लियर है सबको? ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब देखो, अब मुझे बेटा पता है कि न्यू रेशियो, अभी अभी हमने ऊपर देखा था, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बना था? ओल्ड रेशियो माइनस, ठीक है। अब बताओ जरा ए, ए का ओल्ड कितना है अपना? 3/5 माइनस 2/12। बेटा एलसीएम कितना हो गया? 5 12 60, 12 3 12 5 60 10, यानी कि 26/60। बताओ क्लियर है? ठीक है। बी, बी का अपना कितना? 2/5 माइनस 1/12 अगेन 60। 5 12 60, 12 2 24, 12 5 60, 5 1 5, इट बिकम्स 19/60। बताओ 26 और 19 कितना होता है? 45। कितना होता है? कितना बच गया? 15। यानी कि कितना हो जाएगा उसका? 15/60। तो सी, सी इज इक्वल टू कितने के लिए आया था? सी 1/4 के लिए। इनटू ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 से तो करना पड़ेगा बेटा। तो 15/60, तो नया रेशियो हो गया 26, 19 और 15। ओके, अब देखो इसको और सिंपलीफाई कर लो अगर इसको, तो कितना आ जाएगा ये? 1/4। चेक कर लो सी कितने के लिए आया था बेटा? 1/4 के लिए। बताओ क्लियर है? क्लियर है? यस एंड नो? ठीक है। तो बेटा ये तीन तरह के केसेस आपके क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। एक तो कौन सा था? जहां पर क्या हो, पुराने पार्टनर का क्या
रेशियो और नए पार्टनर का शेयर। तो हमने पूरी फर्म का शेयर वहां पे कितना माना था, वन। वन में से पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, रिमेनिंग बच गया। ओके, ओल्ड को रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये करा। उसके बाद आज हमने दो केसेस देखे, एक में क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, एक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। और जैसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा तो अगेन न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताए बेटा, क्लियर है सबको? बताइए जल्दी से, देखते हैं भाई हमारे साथ कौन कौन कनेक्ट है। अरीबा, मिसबा, मुनीजा, जरीन, सोनम, रोहित, सना, मरियम, जल्दी से बेटा आंसर करें, क्लियर है इतना सबको? सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट आपको करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसको जरा अच्छे से समझिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बेटा ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम बताओ, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो बेटा जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा, ओके, व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स और एडमिटेड इनटू द फर्म, देन ही ब्रिंग्स, बेटा वो दो चीजें लेकर आएगा। पार्टनर बनने के लिए क्या लेकर आएगा, कैपिटल, और उसके आने पर पुराने पार्टनर्स का शेयर कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, है ना, कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, यानी कि उन्होंने क्या करा होगा, सैक्रिफाइस करा होगा। और बेटा आपको ये पिछले चैप्टर में बता दिया था, जब कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो जिसका शेयर बढ़ता है यानी कि वो अपने शेयर में से कुछ कॉम्पनसेट करता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, गुडविल का। ओके, क्या देगा वो, गुडविल, यानी कि नया पार्टनर बेटा कैपिटल के साथ साथ एक और चीज लेकर आएगा, क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके किसी कजिन, ब्रदर, कजिन, सिस्टर की शादी हुई, ठीक है। अब शादी होने के बाद हुआ ये, 15 दिन 20 दिन के बाद घरों घरों में दावत होती है, ठीक है, खाला के यहां दावत है, फूफी के यहां दावत है, चचा के यहां दावत है, ताया के यहां दावत है, ऐसे दावतें चलती है। तो आपका कजिन ब्रदर है या सिस्टर है, तो अपने स्पाउस के साथ है, स्पाउस का मतलब वो इंटरचेंजेबल वर्ड है कि आप हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, ठीक है। अब वहां पर वो आपके घर पे आते हैं, तो आपके घर पे बेटा अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, ठीक है, आपके यहाँ बिरयानी बन रही है, आपके यहाँ कोरमा बन रहा है, आपके यहाँ कुछ और भी चीजें बन सकती हैं। देखो मुंह में पानी आ गया भाई के, है ना, मतलब बस अभी तो शुरुआत है चैप्टर, है ना, दिन की शुरुआत है तुम्हारा। चलो सुनो, अब क्या है, अब जरा समझना, अब वो आपके घर पे आते हैं तो खाली हाथ आते हैं क्या, क्या लेकर आते हैं, हाँ, मिठाई, यानी कि उसी को बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, उसी को क्या नाम देंगे बेटा हम, प्रीमियम फॉर गुडविल का, यानी कि नए लोग आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं, मिठाई का डिब्बा। अब बेटा अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना, मिठाई के डिब्बे का जितना वजन होता है, मिठाई के डिब्बे का जितना वजन होगा उसी हिसाब से उनको कपड़े और लिफाफे में भी वजन उतना ही दिया जाएगा। ओके, मिठाई का डिब्बा बड़ा है तो लिफाफे में कुछ बड़े बड़े नोट होंगे, है ना, और अगर मिठाई का डिब्बा छोटा है, बता होता नहीं होता ऐसा, है ना। ओके, तो जरा समझो, तो बेटा नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो क्या लेकर आएगा, एक मिठाई, और उस मिठाई का नाम क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब एक बात बताओ, वो मिठाई अपने खाने के लिए लेकर आए आपके खाने के लिए, है ना, क्यों लेकर आए आपके खाने के लिए, क्योंकि बेटा आपने उनका एहतमाम करा बहुत अच्छे से। ओके, आपने उनकी मेहमान नवाजी की है। ओके, आप मेजबान है, वो आपके यहां मेहमान है, तो आपकी पापा की जेब से भी बहुत सारा पैसा गया, 5 किलो चिकन लेकर आए, ठीक है, 2 किलो मटन लेकर आए वो, है ना, और बहुत सारे पकवान लेकर आए। अब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या करा, सैक्रिफाइस, क्या करा, सैक्रिफाइस। तो बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेकर आ रहा है, जो नए मेहमान घर में आ रहे हैं, यानी कि नया पार्टनर क्या आ रहा है, घर में आ रहा है, तो वो लेकर आ रहा है क्या, मिठाई, उस मिठाई का नाम क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके लिए लेकर आ रहा है, उनके घर में, जिनको क्या कर रहे हैं वो लोग, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो बेटा ये मिठाई किस लोगों में बांट दी जाती है, सैक्रिफाइसिंग लोगों में, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। बताओ बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो नया पार्टनर दो चीजें लेकर आएगा, एक तो कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। चलो, तो बेटा नया पार्टनर लेकर आ रहा है, अगर मान लेते हैं वो कैश में लेकर आ रहा है, किसमें लेकर आ रहा है, कैश में, इफ द होल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड द होल अमाउंट ऑफ कैपिटल विल ब्रिंग्स इन कैश, किसमें लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, तो बेटा क्या एंट्री पास होगी, तो देखो जरा, कैश में लेकर आ रहे हैं तो फर्म के पास क्या आएगा, कैश, तो कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, और क्या लेकर आ रहे हैं, कैपिटल। बेटा सबसे पहली एंट्री तो अकाउंटिंग में यही सीखी थी आपने, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही तो करते थे। तो यहां पर एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के साथ साथ क्या लेकर आया था वो, मिठाई, मिठाई का नाम क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है।
बताओ क्लियर है बेटा? इसमें एक पैसा ऐसा है बेटा जो बिजनेस में लगा रहेगा उसका, दैट इज कैपिटल। उसकी क्या कैपिटल? वो बिजनेस में लगी रहेगी। ये वो किसके लिए लेकर आया था बेटा? किसके लिए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बेटा किसमें बांट देंगे हम? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो बताओ ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ओपन कैसे हुआ था? डेबिट से या क्रेडिट से? क्रेडिट से, दिखाई दे रहा है क्रेडिट हुआ है ना। इसको क्लोज कैसे कर देंगे हम? डेबिट से। इसको क्लोज कैसे कर देंगे बेटा? डेबिट से। तो डेबिट से जब क्लोज करेंगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू कौन से पार्टनर में बांट देंगे बेटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट रहे हैं तो रेशियो भी कौन सा लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मुझे एक बात बताओ, दावत आपके घर में, आपका कोई कजिन या आपके ताया चाचा घर में आए हुए हैं, तो आप उस वक्त तो ना मिठाई खिला सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं उनको घर पे भी डिब्बा दे दो, क्योंकि सेक्रीफाइस उन्होंने नहीं करा। सेक्रीफाइस किसने करा है? आपने करा है। तो वो मिठाई किसको मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग को, यानी कि बाकी जो गेन कर रहे हैं उनको वो मिठाई नहीं मिलेगी, सिर्फ किसको मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग लोगों को। बताओ क्लियर है? ठीक है। सम टाइम बेटा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि जो प्रीमियम का पैसा है बेटा, ये जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम मनी, अब्दुल्ला तुम तभी आओगे जब क्लास 10 बजे की होगी, है ना? मेरी 9 बजे से जो क्लास चल रही है उसमें तो तुम कभी थे नहीं। क्या सोच रहे हो, थे किसी दिन? है? क्यों? क्योंकि 9 बजे से थी क्लास। कहां गए बजे? प्रीमियम मनी विड्रू बेटा ऐसा हो सकता है कि कभी कभी प्रीमियम का पैसा वो पार्टनर क्या कर सकते हैं? विड्रू कर सकते हैं। तो बताओ अब जब वो पैसा निकाल रहे हैं बेटा तो फर्म के पास से क्या होगा? कैश क्या हो जाएगा? कम। जब कैश आया था तो हमने कैश को क्या किया हुआ यहां पे? डेबिट। अब कैश क्या हो जाएगा फर्म से? कम। तो कैश को क्या करना पड़ेगा? कौन से पार्टनर के पास चला जाएगा? जिन्हें मिला था, जिन्हें मिला था। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने यहां सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं लिखा? मुझे पता तो चली गया था कौन से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है एंट्री में, सिर्फ उन्हीं पार्टनर को मैं यहां पे क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। ठीक है, तो सेक्री ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री बेटा कब होगी? जब आपने, यानी कि पार्टनर उस पैसे को, प्रीमियम के पैसे को क्या कर लिया होगा? विड्रू कर लिया होगा। बताओ क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन एंट्री पूछता है कि भाई ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसकी एंट्री क्या होगी? इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है। दूसरा, इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, ध्यान देना। व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज होल शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश या फिर बैंक से, बेटा जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का पूरा हिस्सा कैश या बैंक में लेकर नहीं आता, तो इस केस में बेटा वो कहां से पेमेंट करेगा? बताओ, ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। काइंड से एनीवन? हाँ, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। कहां से पेमेंट होगा बेटा? कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, एंड की जगह और लिख देते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। व्हेन अ पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज एंटायर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, देन इन दैट केस ही विल पेड थ्रू और विद कैपिटल और करंट अकाउंट। जाफर, क्या हिंदी हो गई जो मैंने अभी बोला इसकी? मान लो अगर बेटा उसका प्रीमियम का शेयर उसको लेकर आना था 10,000, कितना लेकर आना था? 10,000, बट आउट ऑफ 10,000 ही ब्रिंग्स ओनली 8,000, बेटा वो 10 में कितना लेकर आया? 8,000। तो देखो एंट्री क्या करोगे, सबसे पहली एंट्री कैश कितना लेकर आया, यानी कि बैंक में या कैश में कितना लेकर आया हो? 8,000। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 8,000। ओके, टू प्रीमियम, प्रीमियम लाना कितना था उसको?
10,000 लाना था तो दो तरह से एंट्री कर सकते हो। तो प्रीमियम 10,000 लिख दिया मान लो आपने, अभी 2,000 का डिफरेंस है, ये 2,000 का डिफरेंस वो कहां से देगा बेटा? कैपिटल और करंट अकाउंट से। अब बताओ जब वो अपनी कैपिटल करंट अकाउंट से देगा तो उसका बैलेंस बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैपिटल और इनका करंट अकाउंट का जनरल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और ये कम कैसे होगा? डेबिट से। तो बेटा यहां पे लिख देंगे उसका कैपिटल और करंट अकाउंट, मान लो सी है तो सी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है ओके। या फिर इंस्टेड ऑफ दिस एंट्री, इसकी जगह पर आप क्या एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है? और क्या एंट्री पास हो सकती है बेटा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 8,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कितना? 8,000, ठीक है। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट था उतने से क्या हो गया? डेबिट, ओके। और वो पार्टनर बेटा कहां से देगा अपने? करंट और कैपिटल अकाउंट से, कितना? 2,000। किसको देंगे बेटा ये? किसको देंगे? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में होगी बेटा एंट्री? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर बेटा मैंने ये जो एंट्री लिखी है, अब अगर मैं इसकी जगह पर एक और एंट्री एक और होगी, कौन सी? प्रीमियम का, प्रीमियम का अमाउंट किसको दे दो बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि इसके बाद एंट्री में कर रहा हूं तो प्रीमियम किसको दे दो? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तब भी बेटा एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर देख लो तो एंट्री वही हो रही है। देखो यहां पर भी कैश कितने से डेबिट है, यहां पर भी कितने से डेबिट है? 8,000 से, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ क्या करा बेटा, प्रीमियम को यहां पे कितने से रिकॉर्ड कर दिया? 10,000 से। और यहां पे प्रीमियम कितने से? क्योंकि बेटा मैंने यहां पे ऑलरेडी किसको डेबिट कर दिया था? इसके करंट और कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर 8,000 से क्रेडिट है, तो यहां पे मैंने डेबिट भी कितने से करा है? 8,000 से, ठीक है। तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। तो ये एंट्री कब होगी? जब बेटा पार्टनर प्रीमियम का पैसा किस में नहीं लेकर आएगा? पूरा कैश में लेकर नहीं आएगा, तो वो कहां से पे करेगा? कैपिटल और करंट अकाउंट से, ठीक है। बताओ बेटा क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा जल्दी से बताएं क्लियर है? अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा, प्रीमियम का पैसा पार्टनर किसमें लेकर आता है? काइंड में। किसमें लेकर आता है? काइंड में। सपोज करो कैश, कैश ले आया वो 50,000, ठीक है। डेटर, डेटर के नाम से ले आया बेटा वो 80,000। फर्नीचर के नाम से ले आया वो 1,00,000, ओके। और बिल्डिंग के नाम से ले आया वो 20,000, ठीक है। गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म, बेटा पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल है 6,00,000 रुपए, और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बेटा 1/4 शेयर के लिए। किसके लिए? 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन कह रहे हैं जी एंट्री पास करो। अब देखो एंट्री कैसे पास होगी। तो बेटा जो प्रीमियम का पैसा उसे लेकर आना था कैश में, वो किसमें लेकर आ रहा है? काइंड में। वो किसमें लेकर आ रहा है? काइंड में, यानी कि वो और अदर एसेट्स लेकर आ रहा है। तो एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो बिजनेस में फर्म में एसेट आ रही है ना, तो क्या एंट्री होगी? एसेट को डेबिट कर दो। कौन कौन सी एसेट है? कैश अकाउंट डेबिट, कितना लेकर आ रहा है? 50,000, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 80,000, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000, ओके। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। अब जरा चेक करो बेटा वो टोटल कितना लेकर आ रहा है? 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, मतलब 2,50,000 की एसेट लेकर आ रहा है टोटल, ओके। अब उसके बाद हम क्या करते थे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिखते थे बेटा? टू सीज कैपिटल अकाउंट, यही तो लिखते थे। और क्या लिखते थे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा और कैपिटल में कितना आएगा? बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना पैसा आएगा और कैपिटल में कितना पैसा आएगा? बताइए बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट सब बताएं।
बताओ कैपिटल में कितना आएगा? 50,000। अब्दुल्ला कैसे आएगा 50,000? है अच्छा कैश है। और तुम बताओ पीछे 50,000 कैसे आएगा? तुम बताओ कितना आएगा कैपिटल में? कैपिटल में 1,00,000 आएगा। एग्जैक्टली बेटा कैपिटल में कितना आएगा? 1,00,000। कोई बता सकता है इधर से 1,00,000 क्यों आएगा कैपिटल में? इसलिए आएगा कैपिटल में 1,00,000 क्योंकि प्रीमियम में आएगा 1,50,000। हाँ सच में जब कैपिटल में 1,50,000 आएगा, जब गुडविल में 1,50,000 आएगा ना, तभी कैपिटल में कितना आएगा? 1,00,000। ऐसे ही होगा ना। अब देखो कैसे आएगा बेटा प्रीमियम में 1,50,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 6,00,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? वो उस बिजनेस में कितने का हिस्सेदार है? 1/4 का। तो बताओ 6,00,000 का 1/4 कितना प्रीमियम पे करेगा? वो 1,50,000 रुपए। कितना पे करेगा? 1,50,000 रुपए। बात समझ में आ गई? अब 1,50,000 का प्रीमियम का पैसा लेकर आना था उसे, टोटल कितना लेकर आ रहा है? 2,50,000। 2,50,000 में 1,50,000 किस चीज के लेकर आएगा? वो प्रीमियम के। बाकी का 1,00,000 बचा वो किसके नाम से लेकर आएगा? कैपिटल के नाम से। बताओ क्लियर है? हाँ या ना? ओके बेटा पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 6,00,000। उसमें वो कितने का हिस्सेदार है? 1/4 का। तो 6,00,000 का 1/4 कितना लाएगा? 1,50,000 किस नाम से लेकर आएगा? प्रीमियम के नाम से। टोटल अमाउंट ब्रिंग्स बाय सी 2,50,000। आउट ऑफ 2,50,000, आउट ऑफ 2,50,000, 1,50,000 इज फॉर प्रीमियम, सो लेफ्ट 1,00,000 इज फॉर कैपिटल। बताओ क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहां से एक चीज सीख लेना बेटा, यहां से एक चीज सीख लेना, ठीक है। बताओ सी प्रीमियम का कितना पैसा लेकर आ रहा है? सी प्रीमियम का कितना पैसा लेकर आ रहा है? 1,50,000। और सी का फर्म में शेयर कितना है? 1/4। अब समझना, क्वेश्चन को चेंज करता हूं। सी ब्रिंग्स रुपीज 1,50,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसका शेयर फर्म में कितना है? 1/4। 1/4। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है बुशरा, पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी? इंटू 4 यानी कि 6,00,000। बेटा एक चीज आपको समझाइए, जब भी किसी चीज की क्या निकालो? फुल वैल्यू। क्या कर दो उसका? रेसिप्रोकल। तो यानी कि बेटा पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? 6,00,000। बेटा वहीं से तो क्वेश्चन निकाल कर लेकर आया हूं मैं। ओके तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, एक पार्टनर की क्या गिवन होगी आपको? गुडविल। उसके बिहाफ पे क्या पूछ लेगा वो? पूरे फर्म की क्या बताओ? गुडविल बताओ। तो उसके शेयर का क्या कर देना? रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे बेटा? वहीं से तो 6,00,000 से ही तो लेकर आया हूं मैं इसको, है ना। और 6,00,000 में इसका शेयर कितना था? 1/4। कितना हो गया था? 1,50,000। अब मैंने कहा 1,50,000 गिवेन है, अब आपको किसकी निकालनी है? पूरे फर्म की। तो क्या कर देंगे उसका? रेसिप्रोकल। तो कितना हो जाएगा? 6,00,000। बताओ क्लियर है? आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, यहां तक बेटा अगर किसी का डाउट है तो पूछो। मुनीजा, मरियम, अरीबा, मिसबा, जरीन, रोहित, बताओ बेटा जल्दी से, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो प्रीमियम की ट्रीटमेंट समझ में आई कि प्रीमियम कैसे ट्रीट करेंगे प्रीमियम को? ओके एक होती है बेटा हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल। एक क्या हो सकती है बेटा? एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है अपीयर्ड गुडविल। कौन सी गुडविल? अपीयर्ड गुडविल। और अपीयर्ड गुडविल का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुडविल, है ना। हाँ जी बेटा, एग्जिस्टिंग और अपीयर्ड गुडविल मींस वो गुडविल जो कहां पर गिवन है? ओल्ड बैलेंस शीट में। कहां पर? ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब होता है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। किससे पहले? रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। अच्छा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या था? यानी कि पार्टनर्स के बीच में क्या होगा? कोई भी रिलेशन चेंज होगा, उसको हमने क्या बोला था? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो बेटा ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल गिवन होगी उसे एग्जिस्टिंग और अपीयर्ड गुडविल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे दे रखा होगा बेटा, ये हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट है। ठीक है। बैलेंस शीट में अब्दुल्ला, ये कौन सी साइड होती है?
डेबिट, और ये वाली तुमने दोनों बार मतलब कुछ भी कह दो तुम, या डेबिट कह दो क्रेडिट कह दो, तुम गलत हो, दोनों गलत है तुम्हारी बातें। हाँ अरे तुम क्या समझ रहे थे से? क्या रिवैल्यूएशन, तो यहां पे क्या होता फिर क्रेडिट, अपने यहां गुडविल दे रखी है, क्या दे रखी है मान लो 20,000। आप में से कोई भी स्टूडेंट बता दे ये गुडविल क्यों, इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 कहता है कि सिर्फ उसी गुडविल को रिकॉर्ड करो जो आपने क्या कह रही हो परचेज की हो, और ये कौन सी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है राइट ऑफ, क्या कर देंगे इसको राइट ऑफ कर देंगे। ओके अब बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी, जो बिजनेस ने, बिजनेस के ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपने हार्डवर्क ऑनेस्टी से अर्न की हो, ठीक है। अब इसको राइट ऑफ करने की बेटा एंट्री क्या होती है, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ क्या होती है। अब गुडविल तो एसेट है, एसेट को खत्म किया जा रहा है, तो एसेट का नेचर क्या होता है डेबिट, और डेबिट कैसे क्लोज होगा क्रेडिट से, तो यहां पर एंट्री होती है बच्चा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। बेटा जब ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड बैलेंस शीट है, तो रेशियो भी कौन सा होगा ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो होगा ओल्ड रेशियो, बताओ क्लियर है आगे समझ में, ठीक है। तो यहां तक बेटा कोई दिक्कत हो तो पूछो, जितने भी स्टूडेंट है हमारे साथ सभी लोग बताएं, कोई दिक्कत, क्लियर है इतना। चले नेक्स्ट, हाँ चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, है ना। शीट है सबके पास, है हाँ अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे हेडिंग क्या नजर आ रही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर हैं, ओके ए और बी बेटा दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो कितना है 2:1। सी एडमिट हो गया, सी के एडमिट एडमिशन के बाद बेटा रेशियो कितना हो गया 4:3:2। बेटा फर्म की गुडविल है, किसकी गुडविल है, गुडविल इज वैल्यूड, ये नहीं लिखा कि सी कितना गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, ये लिखा हुआ है कि वैल्यूड गुडविल यानी कि फर्म की गुडविल है कितनी 94,500। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, यानी कि बेटा ये गुडविल का पैसा सी किसमें लेकर आ रहा है बेटा कैश में, कह रहा है गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, पहले तो बताओ बेटा गुडविल का, गुडविल का अमाउंट यानी कि जो गुडविल है वो किसको पे की जाती है, किसको मिलती है गुडविल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, किसको मिलती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो बेटा कितनी मिलेगी पहले तो ये बताओ, 94,500 किसकी गुडविल है फर्म की, हमें क्या निकालना है सी जितनी लेकर आएगा, सी जितनी लेकर आएगा उतना पैसा कौन से पार्टनर को मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, बात समझ में आ गई ठीक है। अब बेटा यहां देखो जरा सी, सी का शेयर कितना है बिजनेस में 2:9, 9 वन 9। अब बेटा यहां पर हमें दो डिजिट लेने पड़ेंगे,
है ना, तो यहां पे जीरो पुट करना पड़ेगा। इतनी मैथ्स तो आती है, नहीं आती? देखो कैसे देख रहा भाई, अब तुमसे ही कह रहा हूं जाफर, इतनी मैथ्स आती है सच में? ना कैलकुलेट कर पाते तुम क्या? 10500 ओके, 9 5 10500 कितनी आ गई? 10500 इंटू दो कितना हो गया? 21000। बताओ बेटा सी का कितना शेयर हो गया? 21000। बताओ क्लियर है? अभी 21000 कौन से पार्टनर में बट जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। किसमें बट जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ ए है। कौन है? ए। बेटा बिना कैलकुलेट करे बता सकते हो आप? बताओ बी का पुराना शेयर कितना था? 1/3। और नया बी कितना है? 1/3। नया कितना है? 3/9। सिंप्लीफाई करोगे कितना? 1/3। पुराना भी वही, नया भी वही, यानी कि ना गेन ना सेक्रीफाइस। तो सिर्फ सेक्रीफाइस किसने करा होगा? ए ने। तो बेटा पूरा 21000 किसको मिल जाएगा? ए को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बताओ क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है ना सबको? बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी से बताएं। बेटा ये जो है आपको अपलोड कर दी गई है, मैं बता दूंगा कहां पे अपलोडेड है, ठीक है? ये अपलोड कर दी गई है तो वहां से देख लेना आप। ओके बताओ बेटा क्लियर है सबको या नहीं? हाँ पूछो बैदुल्ला। ओ माय गुडनेस, यू आर राइट। और सुन शाना सुन शाओ। अच्छा काम करो, 94500 इसका शेयर, यही तो 2/9। और 2 यहां पे क्या हो रहा है? अच्छा चलो अगला देखना जरा क्वेश्चन। अबे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 26, ये एक्स और वाई है, ठीक है? एक्स और वाई करो जल्दी से। एक्स वाई दो पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:2। ओके, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर, है ना, 1/5 इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। किससे? एक्स एंड वाई से इक्वली ले रहा है वो, ठीक है? अब कह रहे जेड ब्रिंग्स 40000 एज गुडविल इन कैश। जेड कितने लेकर आ रहा है बेटा? गुडविल के 40000। और गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, बेटा कितना कितना क्रेडिट होगा दोनों में बताओ? अच्छा कैसे? अरे भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर है यहां पे। कैसे पता चला? लिख रहा है वहां पे, क्या लिख रहा है? विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि बराबर बराबर दोनों से ले रहा है। तो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, तो यानी कि कितना लेकर आ रहा था प्रीमियम का? 40000। कितना लेकर आ रहा था प्रीमियम का? 40000। 40000 दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस बराबर बराबर कर रहे हैं, तो 40000 को बराबर बराबर बांटो कितना बटेगा? 20000। कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए। बताओ क्लियर है? हाँ Yes, exactly. 1/10, 1/10। तो 1/10, 1/10 क्या हो गया? बराबर नहीं हुआ क्या? फाइव बाई थ्री, तो 5/8 कैसे हो जाएगा? या तो 5:3 होगा। देखो देखो एक मिनट बेटा, देखना यहां पे क्वेश्चन ये है कि x और y दो पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है? 3:2। दे एडमिट c एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/ क्या कह रहा था क्वेश्चन? विच ही एक्वायर्स इक्वली, यानी कि x से कितना एक्वायर कर रहा है? इक्वली का मतलब 1/2, और y से भी कितना कर रहा है बेटा? 1/2। इतना ही तो कर रहा है, ठीक है? अब इसका शेयर था कितना अपना? 1/5 इंटू 1/5, तो कितना हो गया? 1/10, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? है हुजैफ। हुजैफ
ये कौन सा रेशो निकल कर आया है? सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि 1/10, 1/10, तो बराबर बराबर है ये दोनों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गया? इक्वल। आप न्यू रेशो निकाल ले मेरे दोस्त। अरे जब आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है तो मैं क्यों निकालने लगा फिर बाद में? भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो तो मेरे पास आ गया ना। हाँ चलो एक मिनट, इनकी जो बात कह रहे हैं उनकी बात को मैं मान के चलता हूं, ठीक है? अब देखो बेटा, हमारे ये तो मान रहे तुम मुझे भी, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आया है, ये मान लिया ना तुमने मेरी बात को? हाँ ओके, तो बताओ न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है? अब बताओ हमारे पास ए का पुराना कितना, माइनस एलसीएम 5 × 2 = 6 माइनस 5/10, ठीक है? बी 2/5 माइनस 1/10, तो 4 − 1 कितना, 3/10, ठीक है? सी कितने के लिए आया था, ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 2/10, तो इनके बीच का रेशो हो गया मेरे दोस्त 5:3:2, कौन सा रेशो हो गया? न्यू रेशो, ठीक है जोसेफ? आगे चलते हैं। हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशो माइनस ए का ओल्ड कितना, 3/5, नया कितना, 5/10, एलसीएम 6 माइनस कितना आ गया मेरे दोस्त, ठीक है? अगर तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम बहुत है तो टाइम पास ऐसे ही कर लेना, मैंने तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, बस जब सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने पहले ही निकाल लिया तो क्यों करूं मैं, ठीक है जी? बताओ क्लियर है बेटा सबको, आगे समझ में? हाँ बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर तुम्हें लग रहा है 2 घंटे बहुत है इनफ, आराम से टाइम पास करो, ठीक है? क्लियर है? ओके ठीक है, तो बेटा यहीं पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/10, 1/10, क्योंकि दोनों इक्वली क्या करते, सेक्रीफाइस, तो 40,000 को कितना बांट देंगे, आधा आधा, यानी कि कितना, 20 और 20, ठीक है? बेटा नींद आ रही है आपको? आ तो रही है, ऐसे झूठ मत बोलो, नहीं अब एक क्वेश्चन दिख तो रहा है, आपका क्या रहा था आंसर? तुम्हारा तो अलग ही आता है कुछ भी, तुम्हारा पता कौन सा आता है? नन ऑफ दी अबव, जो होता ही नहीं उसमें। हाँ देख लो क्वेश्चन, क्लियर है? कोई गलती निकाल दो उसमें। हाँ बताओ बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? हाँ ए आएगा बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जो बात है गलती निकाल दी है ना, 27 करो जल्दी से, 27। ए और भी दो पार्टनर, रेशो 3:2। बेटा एडमिट हुआ कौन? सी 1/5 शेयर के लिए, ही पेज 1,00,000 एज गुडविल, द रेशो ऑफ द पार्टनर्स एबीसी, यानी कि नया रेशो भी गिवन है कितना, 3:1:1। बेटा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, बेटा कुछ बच्चे ऐसी कैलकुलेट, ऐसी आंसर आ जाएगा, ए का पहले भी 3/5 था और बाद में भी कितना है, 3/5, यानी कि ना तो गेन ना सेक्रीफाइस, तो सिर्फ सेक्रीफाइस किसने करा होगा, बी ने, और सी भी कर सकता है ना, सी कभी नहीं कर सकता क्योंकि सी कौन सा पार्टनर है, नया, और नया पार्टनर ऑलवेज गेनिंग, कौन सा था वो, गेनिंग। तो बताओ हमारे पास सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, बी, तो बेटा बी को कितना मिल जाएगा, पक्का 1,00,000? नहीं देखो अभी करें नहीं, अरे भैया 1,00,000 लेकर आ रहा है कौन, नया पार्टनर, तो ये किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना मिलेगा? अच्छा कैसे इन्होंने पता कैसे निकाला, मैं बताऊं इन्होंने कैसे निकाला, कैसे निकाला बताना, और जो 60,000 तुमने निकाला वो तुमने निकाला ए का, देखो इन्होंने कैसे निकाला, 60,000, 1,00,000, इंटू 3/5, ऐसे तो निकाला तुमने। अच्छा ये क्या था, कोशिश बे
बेटा यहां पर सेक्रीफाइसिंग सिर्फ कौन है? बी. तो बी को मिलेगा कितना पैसा? जितना कौन लेकर आ रहा है? सी. और सी कितना लेकर आ रहा था? पूरा 1 लाख. तो 1 लाख किसको मिल जाएगा बेटा? बी को. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बताओ क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 28, जल्दी से करना है आपको. बताओ 28 बताओ. ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1. सी एडमिटेड इज अ पार्टनर. ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सी. सी इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश. द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड 60,000. क्रेडिट विल बी गिवन टू. ये थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है. ए एंड बी सरेंडर. ओके बेटा हाफ ए, इसको ध्यान रखना है. क्या 1/2 का मतलब क्या है? हाफ. यानी कि ए और बी अपने शेयर में से कितना कितना दे रहे हैं? आधा आधा. तो आधे आधे का मतलब क्या होगा? आधा आधा ही क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस. आधे आधे का मतलब क्या होता है? अच्छा आधे आधे का मतलब क्या होता है? इक्वल. आधा आधे का मतलब क्या? तो ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी शक्ल? आधा एक दे रहा, आधा एक दे रहा, तो दोनों तो बराबर दे रहे हैं ना. हाँ तो बेटा अब देखो, चलो देखो जरा बेटा यहां पर जरा समझना. तो ये किसकी गुडविल है बेटा? ध्यान दो, ये किसकी गुडविल है? फर्म की. कितनी? इसमें वो कितने का हिस्सेदार है? इसमें कितने का हिस्सेदार है बताओ? सी. सी का शेयर भी तो निकालना आपको. बताओ सी का शेयर कितना है, यही बता दो. सी का शेयर कितना है ही नहीं, एक करा है ही नहीं. अरे तो निकालना तो पड़ेगा. बताओ सी का शेयर कितना आएगा? ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर. देखो ए का अपना शेयर कितना है? ए का अपना शेयर 2/3. उसका ये कितना दे रहा है? हाफ दे रहा है. यानी कि कितना? 2/6. बताओ क्लियर है इतनी बात? ये इतना शेयर किसको मिल रहा है? सी को. किससे? ए से. बी, बी का अपना कितना? 1/3 का आधा. यानी कि कितना? 1/6. अब अगर मैं सी का शेयर निकालूं तो बेटा इसको ए से कितना मिल रहा है और बी से कितना मिल रहा है? इसको क्या कर दें हम? प्लस कर दें. तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पे? 6 है ना. तो यानी कि बेटा 2+2+1 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2. अब बेटा बताओ तो 30,000 शेयर हो जाएगा उसका. कितना शेयर हो जाएगा? 30,000. अब 30,000 को दोनों बांट लेंगे. 30,000 किस किस को मिलेगा? जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे थे. और सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं बेटा? यानी कि 2/6 एक कर रहा है और 1/6 एक कर रहा है, यानी कि 2:1. तो बेटा 30,000 को दोनों बांट लेंगे 2:1 में, 20,000 और 10,000. आपकी सोच से परे यही निकाला था तुमने. अच्छा दिखाना का तो पता नहीं जाता तुमसे धीरे से कि मैं 1/2 लगा के तो आया था, लेकिन ओएमआर में नहीं, क्वेश्चन पेपर में है ना. ये क्या बात हुई यार धीरे से? कि मतलब मैं ना सुन लूं है? बताओ क्लियर है? एक बार रिपीट करते बेटा, क्या कह रहा था क्वेश्चन? ए और बी किसको दे रहे हैं हिस्सा? सी को. कितना? आधा आधा. किसके शेयर में से? अपने शेयर में से. तो ए का कितना था? 2/3. 2/3 का आधा 2/6. 1/3 का आधा 1/6. इतना शेयर किसको मिल रहा है? प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस करने पे आया कितना? 3/6 यानी कि 1/2. यानी कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000. उसमें उसका शेयर है आधा, यानी कि कितना? 30,000. 30,000 को सेक्रीफाइस जितना कर रहे थे 2:1 उसमें बांट दिया, यानी कि कितना आ गया? 20 और 10. क्लियर है? ओके सो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना.